नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के आजीवन सदस्य वैश्य समाज के प्रबुद्ध एवं गणमान्य दीपक गुप्ता, नरूला, आईसी बंसल, राधा कृष्ण गर्ग, विनोद गुप्ता, मोहनलाल गोयल को वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के सीईओ कुमार विजय के अलावा वैश्य व्यापार न्यूज चैनल की टीम ने हार्दिक स्वागत एवं बधाई दी है। वर्षों पुराने अयोध्या केस को लेकर जैसे जैसे फैसले की घड़ी करीब आ रही है, गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश भर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार सहित जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां करने में जुटा हुआ है। अयोध्या केस राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें फैसले के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी तैयारियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसे लेकर खास सतर्कता बढ़ती जा रही है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन ने सभी धर्म के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शांति समिति की बैठकें शुरू कर दी हैं। बैठकों में विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम धार्मिक गुरुओं व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। केंद्र से लेकर जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 6 अगस्त से नियमित सुनवाई शुरू की थी। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट सप्ताह में 3 दिन ही किसी केस की नियमित सुनवाई करता है। अयोध्या मामला काफी पुराना, पेचीदा और महत्वपूर्ण होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सप्ताह के 5 दिन लगातार सुनवाई की। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी ऐतिहासिक मामले की सुनवाई रिकॉर्ड 40 दिनों में पूरी की है। केंद्र सरकार में फैसले के बाद कानून व्यवस्था कायम रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वह हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी तुरंत केंद्रीय एजेंसियों को उपलब्ध कराएं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी सेवाएं, आपके उत्पाद, गुणवत्ता और योजनाओं के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान या हो कोई संस्थान, जुड़े जनता से वैश्य व्यापार के साथ संपर्क करें। वैश्य व्यापार के साथ ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जब कोई काम पूरी लगन और मेहनत तथा सच्ची नीयत से करने की ठान लो और वह काम सफल हो जाए तो मन को बहुत शांति मिलती है। यही आज हमारी महिला विकास मंच की महिलाओं के साथ हुआ। हमें भी अपार हर्ष और गौरवान्वित महसूस होने का अवसर मिला जब हमने बिना किसी पुरुष की मदद से अपने सभी कामों को बैनर लगाने से चाय बनाने तक के सफर को हमने खुद तय किया। तब मन में यह बात आई कि हम महिलाएं भी किसी से कम नहीं। हर्ष की बात तो तब महसूस हुई जब बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हमारे स्टॉल में आकर चाय पीने की इच्छा जताई और कारण था कि यहाँ घर की चाय मिलेगी और उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ने के लिए इच्छुक थी। यकीन मानिए, उनके द्वारा हमारे काम को सराहे जाने पर उनके कार्यक्रम में हमें बुलाकर सम्मानित करने के लिए भी कहा। हमारी टीम की एक महिला को अपने पर गर्व होने का शुभ अवसर मिला। महिला विकास मंच की अध्यक्ष मनीषा गुप्ता ने छठ व्रतियों को आस्था और विश्वास के इस महान महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उपाध्यक्ष श्रीमती रिंकू गुप्ता, महासचिव श्रीमती रानी, साव सचिव श्रीमती दीप्ति बेदी के अलावा श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता तथा उत्कर्ष गुप्ता सालकिया के श्री राम बाबू गुप्ता जी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जिले में उन्नयन बिहार को गति प्रदान करने को लेकर गंभीरता पूर्वक प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बाजपट्टी प्रखंड के श्री रघुनाथ प्रसाद डोमानी उच्च विद्यालय पहुंचकर उन्नयन बिहार के तहत चल रहे स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में बिहार उन्नयन को गति प्रदान करने का लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। गौरतलब हो कि उन्नयन बिहार गुणवत्ता
पूर्व शिक्षा के लिए एक सामाजिक क्रांति है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में सतत निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आधुनिक तकनीक के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। विधानसभा सदस्य बाजपट्टी विधानसभा रंजू गीता ने विद्यालय पहुंचकर बिहार यूनियन के तहत संचालित स्मार्ट क्लास का अवलोकन किया तथा उसकी काफी प्रशंसा भी किया। बाद में डीएम ने समस्त विद्यालय परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की बात भी कही। जल जीवन हरियाली के तहत विद्यालय भवन में जल संरक्षण के उपायों को अविलंब प्रयास करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया। विद्यालय के पीछे तालाब का भी डीएम ने जायजा लिया तथा उसके जीर्णोद्धार हेतु कई निर्देश दिए। डीएम ने विद्यालय परिसर में पेड़ के नीचे बनाए जा रहे चबूतरे को देखने के बाद निर्देश दिया कि पेड़ के जड़ के चारों तरफ कुछ जगह छोड़कर ही चबूतरे का निर्माण करें ताकि पेड़ों को सहजता के साथ जल मिलता रहे, जिससे पेड़ का जीवन अवधि भी काफी बढ़ जाएगी। उक्त अवसर पर SP अनिल कुमार, ADM अवधेश राम, SDPO पुपरी संजय पांडे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रभात कुमार, DPRO परिमल कुमार, DIO मुकेश कुमार, DIO सहित कई पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।